जो बीमा कंपनी आपको आर्थिक आजादी देती है, यानी आपको रिस्क कवर देती है, वही बीमा कंपनी अपने आप को डूबने से कैसे बचाती है, क्या ही पता है आपको? आपको मालूम है 2008 के दौरान जो अमेरिका में रिसेशन आया था, जिसका प्रभाव भारत में हुआ था, उस समय बहुत सारी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया में और विदेशों में ऑलमोस्ट दोस्तों बहुत ही बैड फाइनेंशियल सिचुएशन में आ गई थी। तो आप एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या आप एक कस्टमर हैं और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है और चैन की नींद सोते हैं, तो क्या आपको पता है कि आपका पैसा कितना सेफ है, आपकी बीमा कंपनी कितना सेफ है, और वही बीमा कंपनी कैसे आपको सुरक्षा देती है, अपने आप को कैसे बचाती है जो मार्केट में फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। मैं दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैसा बीमा कंपनी कितना सेफ है और ये बीमा कंपनी कैसे काम करती है, तो ये वीडियो एपिसोड आपके लिए लाया हूं। इसमें तीन बातें बताऊंगा। नंबर एक, बीमा बिजनेस मॉडल क्या है, बीमा कंपनी कैसे बिजनेस करती है, पैसा कैसे कमाती है। फिर बताऊंगा वो पांच रिस्क जो हर बीमा कंपनी के ऊपर हमेशा रहते हैं और कैसे इन रिस्कों को बीमा कंपनी मैनेज करती है। और फिर दूंगा कि अगर आपने पॉलिसी करा रखी है बीमा कंपनी में, तो आपका पैसा सेफ है या नहीं, वो कंपनी कितनी सेफ है, ये सारी जानकारी आपको इस एपिसोड में दोस्तों इतना जबरदस्त रिसर्च बेस फॉर्मूला और कंटेंट आपके लिए लाया हूं, और कहीं आपको यूट्यूब में मिलेगा नहीं, मेरा दोस्तों आपसे वादा है। बस करना क्या है, इसको समझ लो। एक बार इस बात को समझ गए तो पूरा बिजनेस समझ जाओगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है रवि सचानंद, फाउंडर ऑफ 4 to 4 सिस्टम। एक मिशन है इंडिया में अगले 5 साल में लोगों को फाइनेंशियली फ्री बनाना है, 1 लाख लोगों को, उनको एजुकेशन देनी है, उनको सिखाना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, ताकि वो लोग अपने पैरों में खड़े हो सके। दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको अच्छा लगेगा, और कम से कम 5 लोगों को शेयर करेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं कि बीमा बिजनेस इंडिया में चलता कैसे है और बीमा बिजनेस शुरुआत कैसी होती है। देखिए, आपको मालूम है आज अगर एक कंपनी है जो भारत में बीमा बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस में आना चाहती है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? उसको दोस्तों 100 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल उसके पास होना चाहिए, नंबर एक। उसके बाद में कई सारे अप्रूवल और लीगल अप्रूवल होते हैं जो IRDA और फाइनेंस मिनिस्ट्री RBI देती है, और 3 साल तक ये इंश्योरेंस कंपनी IRDA की नजर में रहती है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत करीबी से चेक करते हैं। तो कई सारे अप्रूवल के बाद में 100 करोड़ कैपिटल जमा करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में बीमा करने उतरती है। लाइफ की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं तो बीमा बिजनेस करती कैसे है, पैसा कैसे कमाती है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में पैसा कैसे कमाती है। जो आप देखते हैं कंपनी का शेयर बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, किसके पैसे कमा रही है? दोस्तों समझिए कि बीमा कंपनी करती क्या है। इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में अपने बीमा के प्लान बेचती है। क्या देती है बदले में? इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैसा लेती है और बदले में आपको देती है रिस्क कवर, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कवर। उसके बदले यही इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम चार्ज करती है, जिसको आप बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। तो इधर आपको रिस्क कवर दिया, प्रीमियम लिया, दूसरी तरफ से यही इंश्योरेंस कंपनी आपको और तरह के इंश्योरेंस प्लान देती है, जैसे कि ट्रेडिशनल सेविंग प्लान या यूलिप प्लान। उसमें क्या लेती है? उसमें कंपनी आपसे पॉलिसी चार्ज, एडमिन चार्ज, अगर यूलिप है तो फंड मैनेजमेंट चार्ज, एलोकेशन चार्जेज, इस तरह कई तरह के चार्जेज उसूलती है, और ऐसे करके इंश्योरेंस कंपनी पैसा कमाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर एक पैसा कमाने का, कि उसने अपने मार्केट में प्लान बेचे, रिस्क कवर बेचा और आपसे पैसा लिया प्रीमियम के रूप में। अब इसी पैसे को कंपनी करती क्या है, इसी पैसे को कंपनी, मान लीजिए एग्जांपल, कंपनी ने 1000 रुपए कमाए, अब इस 1000 रुपए कंपनी क्या करती है, इस पैसे को कंपनी मार्केट में री इन्वेस्ट करती है, और इस पैसे को री इन्वेस्ट करके कंपनी और प्रॉफिट कमाती है, और ऐसे कर करके इंश्योरेंस कंपनी पैसा कमाती है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है, जो रिस्क की सवाल है, वो ये है कि अगर जो बीमा कंपनी ने पैसा लगाया मार्केट में और वो पैसा अगर डूब गया, तो मान लीजिए इस इंश्योरेंस कंपनी ने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में पैसा लगाया और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है नहीं चला, तो फिर ये इंश्योरेंस कंपनी तो सड़क पे आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, ताकि आपका पैसा भी सेफ रहे और मार्केट में कैसे अपने आप को बचा कर रखती, जानना चाहेंगे आप लोग? बहुत ही शानदार जो बातें बताने वाला हूँ, 5 बातें, अगर सीख जाएंगे तो पूरा बीमा मार्केट समझ जाएंगे, कोई आपको हरा नहीं पाएगा, जिसके पास भी जाएंगे कस्टमर भी आपको हाथों दे लेगा, और आप अगर एक कस्टमर है तो आपको जानना चाहिए। देखिए क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में 5 तरह के रिस्क हमेशा मैनेज करती है। ये है 5 तरह के रिस्क। पहला रिस्क, इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग रिस्क।
एक ही रिस्क को समझाऊंगा आपको मतलब क्या है। दूसरा रिस्क क्रेडिट रिस्क, ठीक है। तीसरा रिस्क मार्केट रिस्क, चौथा रिस्क ऑपरेशनल रिस्क, और पांचवा रिस्क लिक्विडिटी रिस्क। ये पांच तरह के रिस्क है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमेशा दिमाग में लेकर चलती है। अब एक एक रिस्क को समझिए कि ये रिस्क का मतलब क्या है और इससे कंपनी कैसे अपने आप को ऑपरेट करती है। इसलिए बता रहा हूं, बहुत ही शानदार दोस्तों कंटेंट दे रहा हूं। समझिए इस बात को और समझिए और आगे चल के इसको शेयर कीजिए ताकि आपके बजाय और लोगों का भला हो सके। तो इसको कम से कम पांच लोगों को शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं, ये पहला रिस्क है अंडरराइटिंग रिस्क। इसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या देखती है, इस रिस्क का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी इंश्योरेंस कंपनी किसी को बीमा कवर देती है तो आपने सुना होगा कंपनी उसकी अंडरराइटिंग करती है। तो इसमें कंपनी दो बातों विचार करती है। नंबर एक कि जिस बंदे को बीमा कंपनी दे रही है उसकी वहां पे क्लेम आने की प्रोबेबिलिटी, यानी क्लेम आने का परसेंटेज कितना है, कितने परसेंट है वहां से क्लेम आएगा, नंबर एक। नंबर दो, बीमा कंपनी ये देखती है कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी इस बंदे को रिस्क कवर दे दे और पैसे कम ले। ये भी अंडरराइटिंग में बीमा कंपनी देखती है कि कहीं कम पैसे लेके, यानी मोर्टेलिटी चार्ज कहीं कम तो नहीं ले रही है। और तीसरी बात देखती है कि ऐसा ना हो कि ये जो कैलकुलेशन कर रहा है कि यहां से इतने क्लेम आते हैं और कहीं ज्यादा क्लेम ना आ जाए। इन सब बातों पे बहुत गहन विचार होता है। तभी आप देखा होगा एज ए कस्टमर कई बार बीमा कंपनी आपका प्रपोजल मना कर देती है, और एज ए एजेंट आपको लगता है यार अरे मार्केट में बीमा बेचना इतना मुश्किल है और इनके भाव बढ़ गए। तो दोस्तों, इसलिए कंपनी अपने को रिस्क लेके चलती है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है और शानदार कंटेंट लग रहा है तो दोस्तों आपसे विनती करता हूं इस वीडियो को हर बंदे को भेजिए, क्योंकि ये कोई सेल्स का वीडियो नहीं है, अवेयरनेस का वीडियो है। अगर आप इसको भेजेंगे तो क्या होगा, आप तो जानकार बनेंगे, कस्टमर भी जरूर बनेगा। सो प्लीज शेयर 5 पीपल और सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको अच्छा लगेगा। तो अब आते हैं दूसरे रिस्क, इसका नाम है क्रेडिट रिस्क। इसका क्या मतलब होता है, बहुत ध्यान से समझिए। इसका मतलब होता है जब कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बंदे को रिस्क कवर देती है, यानी बीमा बेचती है, जो आप पॉलिसी बेचते हैं अगर एजेंट है तो क्या करती है। मान लीजिए, समझिए गणित, एक है राम, एक है श्याम और एक है घनश्याम, तीन है राम श्याम घनश्याम। मान लीजिए राम ने बीमा खरीदा श्याम से, राम ने बीमा खरीदा श्याम से बीमा कंपनी से, तो बीमा कंपनी श्याम ने जो रिस्क कवर दिया राम को, वो रिस्क कवर बीमा कंपनी श्याम ने घनश्याम को दे दिया। मतलब क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी अपने ऊपर जो रिस्क कवर है उसका दोबारा इंश्योरेंस कराती है, दैट्स कॉल्ड री इंश्योरेंस। तो राम का जो रिस्क था श्याम के ऊपर, श्याम का रिस्क ले लिया घनश्याम ने, दैट्स कॉल्ड री इंश्योरेंस मॉडल। इसलिए देसी भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हर इंश्योरेंस कंपनी जब भी कोई पॉलिसी बेचती है साथ में वो क्या करती है, री इंश्योरेंस, अपने कवर को आगे किसी और बंदे से री इंश्योरेंस करवा लेती है, नंबर वन। नंबर दो, इसमें आप क्या क्या ध्यान रखती है कंपनी। सबसे पहले कंपनी ये ध्यान रखती है कि जिस कंपनी से कंपनी ने अपना री इंश्योरेंस कराया है वो कंपनी कितना फाइनेंशियली सॉलिड है, कहीं वो कंपनी बाजार में गड़बड़ ना हो जाए। दूसरी बात, इसमें कंपनी ये देखती है, बीमा कंपनी, जो बीमा कंपनी के पास पैसा आया है और जो बीमा कंपनी उसको इन्वेस्ट करती है मार्केट में, उस मार्केट के इन्वेस्टमेंट में ऐसा ना हो कि बीमा कंपनी घाटे में आ जाए और इसकी जो पैसा है वो नुकसानदायक हो। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी मार्केट की जो पैसा इसकी इन्वेस्टमेंट्स है उसको भी इन्वेस्ट करने से पहले इन दो बातों विचार करती है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब करें और टाइप करें कि क्या अच्छा लग रहा है। और अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए और पांच रुपये। अब आते हैं तीन रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल और लिक्विडिटी रिस्क। और क्या ये कितना सीधे से बात करूंगा, लेकिन इसके पहले दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप एक एडवाइजर हैं, बनना चाहते थे या थी, हाउसवाइफ है या नौकरी करते हैं या करती हैं, शुरू करना चाहते हैं कुछ घर से पार्ट टाइम, कुछ बनना चाहते हैं, अपनी पहचान बनना चाहती हैं, तो दोस्तों उसके लिए करना क्या पड़ेगा, शाम को 8 बजे 15 तारीख सितंबर संडे शाम को अभी हम चाय पियेंगे जूम पे। उसमें तीन बातें होंगी, नंबर एक आपकी पर्सनैलिटी कैसे निखर के आएगी, अपने आप को बेहतर कैसे बनाएंगे, बोल्ड कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर दोस्तों चर्चा है। दूसरी बात, बीमा बेचे बिना कैसे सामने बंदे को रेडी करना है, यानी मिस्त्री नहीं करनी है लेकिन अपने जानकारों को पॉलिसी अगर नहीं करा रहे तो बिना अपने जानकारों को कस्टमर बनाए कैसे इस बिजनेस में आप हर महीने लाख रुपए कमा सकते हैं। और तीसरी बात करेंगे, एक सिस्टम से कैसे काम करना है कि लगातार काम होता रहे, पैसा आता रहे और आता रहे। दोस्तों, पैसा जिंदगी बहुत जरूरी है।
अगर कोई बोले यार देखो पैसे से सब का, देखो यार बिना पैसे कुछ होता नहीं है, तो अगर कमाना चाहते हैं तो क्या नीचे में क्लिक कीजिए, 997 इसकी दोस्तों कीमत है, अभी दे रहा हूं फ्री में, आएंगे तो फायदा होगा और आना जरूर। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, इसका नाम मार्केट रिस्क। बीमा कंपनी समझती है कि मार्केट में कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे अचानक से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, घट जाना, शेयर बाजार में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाना, प्रॉपर्टी रिस्क ऊपर नीचे, होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा, या विदेशी मार्केट में डॉलर और इंडियन रुपए बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, या जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है उसमें ऊपर, इन सब बातों से दोस्तों क्या होता है, जो फाइनेंशियल बाजार है उसमें उथल पुथल होती है और बीमा कंपनी इस रिस्क को लेकर चलती है। अगर मान लीजिए ऐसा रिस्क होता है फाइनेंशियल मार्केट में, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इसका हमारे ऊपर कितना असर पड़ेगा, हम कितना सेफ रहेंगे, इस बातों पर बीमा कंपनी विचार करती है तब पैसा लगाती है। कैन यू अंडरस्टैंड, इतना डीपली सोचते हैं, इतना आसान है दोस्तों। तो ये है दोस्तों मार्केट रिस्क, जिसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी विचार करती है और करते रहते हैं। चौथा दोस्तों रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पीपल प्रोसेस एंड सिस्टम। पीपल प्रोसेस एंड सिस्टम, कंपनी देखती कि हमारे पास क्या सही लोग हैं कि नहीं है, उनमें क्वालिटी है कि नहीं है, क्या हमारा ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा है कि नहीं है, क्या हम अच्छे लोग बचा पा रहे हैं, क्या हमारा सिस्टम ठीक है, क्या हमारा क्लेम देने का प्रोसेस, ये पूरा बिजनेस का जो ऑपरेशन होता है इसको बोलते हैं ऑपरेशन रिस्क। और इसमें कंपनी बीच बीच में अपना अपना करती रहती है ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो ठीक चले, हमारे को अच्छे लोग छोड़ के ना जाएं और मार्केट में हम अपने को बरकरार रखें। और पांचवा दोस्तों रिस्क होता है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। ये बड़ा शानदार पॉइंट है दोस्तों। मान लीजिए बीमा कंपनी ने आपको पॉलिसी दी और अचानक क्या हुआ, बीमा कंपनी के ऊपर लेनदारी बढ़ गई, मान लीजिए बहुत सारे क्लेम आ गए या बहुत सारे लोगों ने पॉलिसी सरेंडर करा दी। अब मान लीजिए कंपनी को अचानक 1,000 करोड़ रुपए देने पड़ गए और कंपनी के पास केवल 500 करोड़ रुपए पड़े हुए, तो क्या करेगी कंपनी, अपने जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बाजार में उसको बेचेगी। अब भैया जब उधारी, जब मजबूरी पानी पैसा लेता है तो उधार मांगेगा तो ब्याज देना पड़ेगा, और अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो मजबूरी में अगर बेचेगा तो सस्ती बेचेगा मार्केट से। तो यही काम बीमा कंपनी को ना करना पड़े कि यार देनदारी ज्यादा ना बढ़ जाए और हमें अपनी संपत्ति को कम प्रॉफिट बेचना पड़े, इसके लिए दोस्तों बीमा कंपनी पहले से सोच के रखती है ताकि ऐसी सिचुएशन ना अराइज हो और हमें अगर पैसे की जरूरत पड़े तो हम आसानी से अपनी लायबिलिटी को मैच कर पाए। दोस्तों ये है पांच रिस्क जिनके बेस पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने को बचाती भी है और आपको एज ए कस्टमर सेफ रखती है, आप चैन की नींद सो सकते हैं, और एज ए एडवाइजर आप भी अपने कस्टमर को खुल के बता सकते हैं कि सर देखिए ये सब चीजें हैं। अब एक सवाल यहां पे और होता है रवि जी, तो इससे मुझे क्या, अरे सर आपने क्या पॉलिसी नहीं करा रखी है, आपको पता नहीं होना चाहिए, आप एडवाइजर हैं कि आपको बातें पता नहीं होनी चाहिए, क्या सिर्फ ये बताएंगे। दोस्तों अगर मैं दिल से बोल रहा हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मैं विनती कर रहा हूं इसको हर देश के नागरिक पहुंचाइए, ये कितनी जबरदस्त जानकारी है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब बात करते हैं आपका लास्ट सवाल ये है, तो रवि जी वो सब तो ठीक है भैया, हमको तो ये बताओ कि भैया बीमा कंपनी कितनी सुरक्षित है, हमारा पैसा रवि जी सेफ है कि नहीं, हमको तो ये बताइए, बाकी सब बातें ठीक है, हमको इससे कोई ज्यादा मतलब है। तो दोस्तों आप बताने वालों की क्या गारंटी है, गारंटी क्या है कि बीमा कंपनी अगर आपने पैसा लगाया है और वो कंपनी आपका पैसा देगी उसमें सुरक्षित है कि नहीं है। इसके पहले दोस्तों फिर बोल रहा हूं, अगर आप इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, चाहती हैं, मुकाम हासिल करना चाहते हैं, 1 लाख पर मंथ कमाने का तरीका जानना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, पुराने हैं, नए हैं, लीड नहीं बन रही है, लोग नहीं सुन रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, ठप हो चुका है, नेगेटिव हो चुके हैं, ट्रैक से बाहर हो चुके हैं, कोई चक्कर नहीं है, वापस स्टार्ट कर दो। मैंने सिस्टम बना दिया, शाम को 15 तारीख को 8 बजे चाय पिएंगे जूम पे, फ्री बुला रहा हूँ, फ्री में दैट इज नॉट कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, बहुत कुछ मिलेगा, मैं सिखाऊंगा, करना क्या क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और आना जरूर, आके देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अरे इतने कॉन्फिडेंस से बोल तो कोई ना कुछ सिखाऊंगा ना यार, इतना शानदार अगर कंटेंट दे रहा हूं तो कुछ तो होगा ना यार, आओ बैठेंगे बात करेंगे और शुरू करें कैसे इस बिजनेस से 1 लाख महीने कमाने की जर्नी स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं कि बीमा कंपनी पैसा कितना सेफ है, उसको बोलते हैं SLR, सॉल्वेंसी लिक्विड रेशियो। मैं आपको देसी भाषा में समझा देता हूं, मान लीजिए राम घनश्याम, राम के पास में 100 रुपए है और घनश्याम को देना 150 रुपए, दो ही बातें हैं, राम ने के पास 100 रुपए हैं और घनश्याम से 150 रुपए ले रखा उधार, तो काम बनेगा नहीं भैया, ये तो लटक जाएगा। लेकिन मान लीजिए राम के पास है 150 रुपए लेकिन देना इसको 100 रुपए,
तो भैया मजे में है फिर तो इसी को बोलते हैं सॉल्वेंसी लिक्विड रेशियो। कि मान लीजिए बीमा कंपनी की 100 करोड़ की देनदारी बन सकती है अगर क्लेम आ गए तो, ये है लायबिलिटी। तो कंपनी के पास असेट कितनी है, वो कम से कम 150 करोड़ की होनी चाहिए। इसको बोलते हैं 1.5 लिक्विड रेशियो। सबसे ज्यादा लिक्विड रेशियो जिसका जितना होगा वो इंश्योरेंस कंपनी उतनी ही स्ट्रांग होगी। किसी बीमा कंपनी को आपको जानना है कितने गहरे पानी में है, जाइए उसका SLR रेशियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। LIC का शायद SLR रेशियो 1.99 है, कई बार 2%, जो कि बहुत शानदार है। मतलब क्या हुआ कि जितनी देनदारी है उससे डबल एसेट है। बहुत ही शानदार दोस्तों बात है। तो अब बात करते हैं क्या आपको पता लग गया। तो दोस्तों ऐसे ही ये SLR रेशियो IRDA कहता है बीमा कंपनी को कि आपको देनदारी से 1.5 गुना आपकी संपत्ति होनी चाहिए दोस्तों। और इसीलिए ये पैसा आपका बीमा में सेफ है। बैंक में पैसा रखेंगे 5 लाख से ज्यादा, आप अगर बैंक डूब गई तो 5 लाख से ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में आपका पैसा रीइंश्योरेंस हो रहा है। IRDA आपको 1.5 का SLR दे रहा है। तो दोस्तों आप चैन की नींद सो सकते हैं, आपका पैसा सेफ है, सुरक्षित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ऐसा जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, दोस्तों करना क्या चाहिए, आपको प्यार देना चाहिए। आपके प्यार के लिए भारी हूँ। इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो आगे लोगों को, ताकि और लोग इसके बारे में जान सकें। और आपके प्यार से दोस्तों ये चैनल 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कोई कलाकारी नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, सिर्फ आपका प्यार और शानदार कॉन्टेंट। और संडे जो शाम को 8 बजे बराबर 15 तारीख को आइए देखिए, और लेट्स डू समथिंग बिग इन द लाइफ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।